दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ चुकी है। कोरोना से मौत का रिस्क भी बढ़ गया है। इस महीने 81 मौतें दर्ज की गई। हर दिन औसतन 5 या उससे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। मृतकों का आंकड़ा फरवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। उस महीने 257 मरीजों की मौत हुई थी। मंगलवार शाम जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 917 नए मामले दर्ज किए गए। 1 अगस्त के बाद यह पहला मौका है जब 1000 से कम नए केस दर्ज हुए। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% के करीब चला गया है। अगस्त में अब तक 30,968 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं, जो जनवरी 2022 के बाद से सबसे ज्यादा है। करीब 6 महीने बाद दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट और मौतों में चिंताजनक उछाल देखा गया। दिल्ली में साल की शुरुआत ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर के साथ हुई। जनवरी में 3.8 लाख मामले आए और 758 मौतें दर्ज की गईं। हालांकि फरवरी से मामलों में तगड़ा उछाल आया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने लोगों से जल्द वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की अपील करते हुए कहा कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि महामारी खत्म होने से काफी दूर है। एलजी ने एक ट्वीट में लिखा, कोविड-19 संक्रमणों में इजाफा हो रहा है, लगातार पॉजिटिविटी हाई रह रही है और री इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं। यह जरूरी है कि हम समझें कि महामारी खत्म होने से बड़ी दूर है। मैं सभी से कोविड समुचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने की अपील करता हूं। हम लापरवाह नहीं हो सकते। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।